इन्हें यहाँ से लेकर जाओ। यस, मुझे माफ़ कर दीजिए योर मेजेस्टी, प्लीज़ हम पे दया कीजिए। महाराज यूजली जो ऐसे क्राइम करते थे ना, कैपिटल क्राइम्स, उनको मौत दे देते थे। आई गेस लिटिल प्रिंसेस ने महाराज को बहुत चेंज कर दिया है। यंगशिंग प्लेस, ये जो गिफ्ट की स्मेल है कितनी अच्छी है। ओह नो, मैं प्रिंस जिंगलांग को एक गिफ्ट डिलीवर करना भूल गई। अब मुझे अब उसे जाके ढूंढना होगा। ये अभी भी बहुत सुबह है, तुम कहाँ जा रही हो? डैडी, मैं स्कूल जा रही हूँ। क्या आप भूल गए कि आज स्कूल का दिन है? ये मुझसे कुछ छुपा रही है। मैंने ग्रैंड ट्यूटर चैन से ऑलरेडी बोल दिया है, आज तो मैं अच्छा फील नहीं हो रहा, तो तुम स्कूल बाद में जा सकती हो। हाँ, क्या तुम शाह जिंगे को देखना चाहती हो? जिंगे एक अच्छा लड़का है, मैं उसे पसंद करती हूँ। इसके साथ क्या कराते हैं, ये उसे पसंद करती है? योर मेजेस्टी प्लीज़, प्रिंसेस जियो सिर्फ 3.5 साल की है, उन्हें ये नहीं पता कि वो क्या बोल रही हैं। उसे कैसे नहीं पता कि वो क्या बोल रही है? वो हमेशा मुझे बोलती है कि वो मुझे पसंद करती है। वेल, मुझे बताओ तुम्हें शाह जिंगो के बारे में क्या पसंद है और मेरे बारे में तुम्हें क्या पसंद है। जिंगो मुझे कैंडी देता है, इसीलिए मैं उसे पसंद करती हूँ, बट मेरे पास सिर्फ एक ही डैडी है और इसीलिए मैं आपको चेरिश करती हूँ। ये तो सही लग रहा है। ऑल राइट, तुम्हें स्कूल के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ओके, थैंक यू डैडी। कितने सीली लड़के हैं ये, एक्चुअली लड़के को पसंद करती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसके लिए कैंडीज लाता है। मैं क्यूरियस हूँ कि कौन सा वो अनलकी लड़का होगा जो इससे फ्यूचर में शादी करेगा। हाँ प्लेस, आउच, अगली बार से फ्रंट डोर लेना। ये सब क्या है? मैं ये तुम्हारे लिए स्पेशली लेकर आई हूँ। स्पेशली मेरे लिए? जी नहीं, यहाँ पे गिफ्ट्स हैं जो गर्ल्स हैं ना हमारे क्लास में, प्लीज़ इन्हें अपने प्रॉपरली रखना अपने पास। गर्ल्स, मैं उनकी चीज़ें नहीं चाहता, इन्हें बाहर लेकर जाऊँ। हाँ बट फाइन, मैं जा रही हूँ। मैं बिलीव नहीं कर सकती, मैं एक्चुअली ये सारे गिफ्ट्स इसको खुद लेकर आई थी। रुको, हाँ मैंने सुना था कि तुम शाह जिंगो को पसंद करती हो, क्या सच है? ये सेम क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है? नो, मैं शाह जिंगो को पसंद नहीं करती, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। हाँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पे पहले चिल्लाया था, मैं ये कैंडी तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। ये प्रिंस जिंगलैंड आज इतने वेट क्यों बन रहे हैं? क्या ये कैंडी एक्सट्रीमली खट्टी तो नहीं होगी? ये वैसी ही होगी। थैंक यू बट नो, मेरे दांत में ना कैविटीज लग जाएगी अगर मैं और ज़्यादा कैंडीज खाऊंगी तो। मैं उगाना नहीं चाहती। तो क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें खिलाऊं? ये मैं खुद कर सकती हूँ। ये कैसी है? यम्मी यम्मी, अनएक्सपेक्टेडली। श्याम जो तुम्हारे लिए चाहे कुछ भी कर सकता हूँ, मैं भी वो कर सकता हूँ। मुझे बता दें जब तुम नेक्स्ट टाइम कुछ खाना चाहती हो, याद रखना। यो हाइनस, जो ली फैमिली है ना, उसने कोर्ट को छोड़ दिया है और उनकी उनकी पोजीशन से ना सबको हटा दिया, हटा गया। मुझे डर है जो इसका रियल कारण है ना, वो प्रिंसेस है। आई सी, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। यस, हमारे फादर हमारी बहन के लिए इंसाफ ज़रूर करेंगे। जी सो, वो हमारे सिस्टर को इतने डीपली प्यार करते हैं और ये सब तो हमारे लिए मतलब एक्सेप्टेशन हो जाएगी क्योंकि उन्होंने हमसे इतना कभी प्यार नहीं करा। तुम अब एक्सट्रीमली जेलस फील कर रहे होगे ना, है ना? मुझे लगा था मैं फादर से उसे पनिश करवा सकता था लास्ट टाइम और फिर प्रिंस जिंगलैंग का सेम टाइम पे रट्टा कटवा सकता था। हाउएवर, मैंने अंडरएस्टिमेट करा मेरे फादर का लव उसके लिए। फादर, मुझे ऐसा क्या करना होगा आपको खुश करने के लिए? जी सो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? प्लीज़ मोजियो को मेरे पास लेकर आओ, मैं उसे खुद देखना चाहता हूँ। ओके श्योर प्लीज, मैंने बहुत सारा डिलीशियस फूड बनाया, आज मेरे डैडी प्लेस्ड हो जाएंगे, मतलब खुश हो जाएंगे। हाँ हेलो, हाँ कोई भी नहीं है,
नेवर माइंड, मुझे जल्दी से मूव करना होगा। हाँ तुम कौन हो? हेल्प वो, तुम अच्छी स्माइल कर रही हो और अच्छी भी लग रही हो, यम्मी लग रही हो। क्या मैं तुम्हें ले सकता हूँ? क्या तुम कौन? एक मॉन्स्टर? कई सी मॉन्स्टर नहीं जो मरमेट्स को खा लेता है? नो, मैं एक ह्यूमन हूँ। तुम्हारे चीक्स इतने टेंडर लग रहे हैं। वेट प्लीज़, मुझे मत खाओ, मैं अच्छा टेस्ट नहीं कर रही, बट मुझे भूख लग रही है और मैं कुछ खाना चाहता हूँ। तुम मुझे खुद को क्यों खाने नहीं दे रही? आई सी, तो ये लड़का सिर्फ कुछ ज़्यादा ही भूखा है। वेल, मेरे पास फूड है, मैंने सब खुद कुक करा है, शायद तुम इन्हें ट्राई कर सकते हो। सॉरी डैडी। ये फाइनली मैं बैग है, ये क्या है? वाओ, क्या ये बहुत अच्छा है, मुझे और चाहिए। ओके ओके, मैं तुम्हारे लिए और बना दूँगी, प्लीज़ मुझे जाने दो। चलो इम्पीरियल किचन चलते हैं अभी। क्या इम्पीरियल किचन? 2 घंटों में? ये लड़का अनरियलेबल है, मैंने इसके लिए बहुत सारे बनाए और इसने सारे खा लिए, क्या गलटन है। मुझे और दो। हाँ अब मैं और नहीं कर सकती, मैं थक गई हूँ, प्लीज़ मुझे ब्रेक दो और भूल जाओ, तुम मुझे खा सकते हो। मैं ऐसे इसका फूड नहीं खा पाऊँगा अगर मैंने इसे भी खा लिया तो, प्लस मैं जिसे को इसे डिस्कवर करने नहीं दे सकता। मेरा नाम है मुजीरान और मैं साउथ डाउन साउथ में रहता हूँ, मुझे देखने आना सेम टाइम में कल। ये मुजीरान है, ये 4th प्रिंस है मोहन स्टेट का। क्या ये मेरा 4th ब्रदर है? गाइस भाई खाने की बात कर रहा है। मैं मोजी हूँ, तुम्हारी बहन, मैं जानता हूँ हमारे पास सेम फादर है, मैं ये भी जानता हूँ। घर जाओ और भूलना मत हमारी मीटिंग कल की। ओके, अदरवाइज मैं तुम्हें खा लूँगा। हाँ ओके, अब मैं यहाँ से जाता हूँ, बाय। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरा जो 4th भाई है ना वो क्रेजी है? मैं सिर्फ एक मरमेंड हूँ, मुझे इन सब चीज़ों से क्यों डील करनी पड़ रही है? वो कहाँ है जीरन? मैंने उसे नहीं ढूँढा, वो हमारे फादर के साथ होगी। ये स्मेल, मैं इसे इसकी बॉडी पर स्मेल कर सकता हूँ, उसने उसे बता दिया होगा। जीरन अपना डिस्टेंस उससे रखना, वो इतने सिंपल नहीं है जैसा तुम्हें लगता है। जिंशु सही था, मुझे जानती है कि लोगों को प्लीज कैसे करते हैं। नो, मैं कभी अलाउ नहीं करूँगा कि मेरा भाई एक फूल बन जाए, वो भी मोजियो से। तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है जीसो? तुमने हम सबको इम्प्रूव गार्डन में क्यों समन करा है, वो भी इतनी सुबह? मेरे पास कुछ इम्पोर्टेंट है तुम सबको बताने के लिए आज। तुम सबको दूर रहना पड़ेगा मोजियो से। क्या? What the hell is wrong with you, Jesu? वो हमारी बहन है, हम उसके साथ क्यों नहीं घूम सकते? फिश एक अच्छी लड़की है, मैं उसके साथ खेलना पसंद करता हूँ फिश के। मैं तुम्हें यहाँ बता नहीं रहा, सॉरी मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। शीशी शी, ये अच्छा कुछ भी नहीं होगा अगर तुम उसके ज़्यादा क्लोज रहोगे। तुम मेरे पास आ सकते हो अगर तुम्हें बोर्ड फील हो रहा है तो। मैं तुम्हारे साथ खेलना नहीं चाहता। टम एस ओ, तेरी खाली भी लगता है। जिंग शान, मैं जानता हूँ तुम्हें जोक करना पसंद है मोजियो के साथ, ये ठीक है अगर तुम उसके साथ सिर्फ फूल करो, बट तुम कुछ ज़्यादा नहीं जा सकते। ओके मैं जानता हूँ, मुझे सिर्फ ये लगता है वो फन है, वो छोटे से बहुत फन है, मैं उसके साथ और घूमना चाहता हूँ, तुम्हें क्या लगता है? नो, फिश बिल्कुल भी कोई फ़न की चीज़ नहीं है, तुम उसके बारे में ऐसे बात नहीं कर सकती। रियली वो क्या है देन? आई मीन वो क्यूट है और हमेशा लोगों को चीयर अप कर सकती है जब वो अपसेट होते हैं, और वो क्या कर सकती है? सिर्फ तुम्हें उसे चेरिश करते हो जैसे कि वो एक ट्रेजर है। तुम, मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुमने फिश के बारे में दोबारा से उल्टा बोला तो। वेल वेल वेल, ये मोरन अब मुझे पीटने की कोशिश कर रहा है। हे रुक जाओ, मैं तुम्हें मार दूंगा। आउच, हे तुम लोग महल के रूल्स को कैसे भूलकर यहाँ फाइट कर सकते हो? क्या तुम इसका नतीजा जानते हो?
डैम इट, हमारे फादर यहाँ हैं, इन्हें यहाँ लेकर जाओ और उन्हें अच्छे से पनिश करो। यस योर मेजेस्टी। यहाँ शी प्लेस के बाहर, योर हाइनेस प्लीज़ एक दूसरे से गुस्सा होना बंद कर दीजिए। यहाँ क्या चल रहा है गाइस? फिश, तुम्हारे स्कूल से छुट्टी हो गई? ये योर हाइनेस और हिज फाइट कर रहे थे सवेरे, और महाराज इन्हें पनिश कर रहे हैं यहाँ पे उनसे घुटने पे बैठवा के। प्लीज़ आप इससे दूर रहिए, इनकी फाइट हुई। फिश, ये तुम्हारे बारे में उल्टा बोल रहा था और मैं तुम्हारे लिए इंसाफ कर रहा हूँ। ओह जियो, शेन ने मुझे चोट पहुँचाई, मुझसे इससे ज़्यादा कि मैंने उसे पहुँचाई थी, तो मैं कुछ कंसर्न दिखाना चाहिए मेरी तरफ, तुम्हें नहीं लगता? मुझे नहीं पता है ये क्यों लड़ रहे थे, बट मुझे ऐसा फील लग रहा है, बट मुझे टेरिबल फील हो रहा है इन्हें ऐसे चोट लगी देखकर। मैं जाकर डैडी को ढूंढती हूँ। वेट योर हाइनेस। डैडी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुमने डिनर करा? डैडी डैडी प्लीज़, शी और जिनशन को जाने दो, उन दोनों को चोट लगी है और यह बहुत गंभीर लग रही है। मैंने अभी डिनर नहीं करा, आओ और मेरे साथ डिनर करो। बट डैडी, ये दो बॉयज कभी एक दूसरे से फाइट नहीं कर रहे, इनका बिहेवियर है ना, कुछ लेना देना होगा जियो से, मुझे उन्हें पनिश करना होगा नो मैटर व्हाट। डैडी तुम्हें क्या लगता है कि मैं यूज़लेस हूँ? मैं आपको मदद नहीं कर सकती जब कुछ बैड हो जाता है यहाँ पे। सिर्फ इसे याद रखना कि तुम्हें अपना डिस्टेंस रखना होगा सारे प्रिंस से, क्राउन प्रिंस को एक्सेप्ट है वो। क्यों? तुम इसका रीज़न पता लगा लोगे जब तुम बड़ी हो जाओगे। ऑल राइट, उन्हें डिनर सर्व करने के लिए बोलो। यस, मैं जानता हूँ मेरे बेटों को अच्छी तरह से, ये सारे एम्बिशियस हैं, यानी कि बहुत सपने वाले हैं, स्पेशली जिसु और जिंगशान। मैंने बहुत सारा एफर्ट करा है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। फिश, ये बहुत अच्छा है तुम्हें देख के। शी, मैं तुम्हारे लिए एक स्टीमर लेकर आई हूँ। थैंक यू फिश, तुम तो बहुत तुम बहुत वैसी हो जियो, तुम सिर्फ शी के लिए क्यों बन लेकर आई? बट मेरे लिए नहीं, ये वाला तुम्हारे लिए है। डैडी ने तुम्हें माफ़ कर दिया, अब तुम खड़ी हो सकते हो, बट तुम्हें दोबारा फाइट नहीं करनी होगी, तुम्हें समझ में आया? और मैं जानती हूँ शी, शी ने फाइट शुरू कर दी थी। शी, तुम्हें जिंगशन से माफ़ी मांगनी होगी। क्या? ये एक बैड लड़का है यहाँ पे, यहाँ पे ये बुरा लड़का है, इसे वो सोच रहा कि तुम खेलने की छोटी सी चीज़ हो, इसीलिए मैंने उसे पीटा। फिश, तुम इससे फूल नहीं बन सकती। सी, ये अभी भी आर्ग्यू कर रहा है। मैं नहीं जी, और क्या तुम जानती हो ये किसकी गलती है? तुम, मैं तुम लोगों से कभी दोबारा नहीं बोलूँगा। तुम कहाँ जा रही हो शी? मेरा इंतज़ार करो। वेल, ये फनियर है उससे ज़्यादा कि मैंने जितना मैंने सोचा था। ओह मेरे घुटने, शी कल इतना फास्ट कि मैं उसे कैच नहीं कर पाए, और उसने मेरे लिए डोर ओपन नहीं करा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो इतना गुस्सा होगा, बट मैं बिलीव करती हूँ कि हम अभी भी अच्छे फ्रेंड्स हैं। ये शी है ऑफकोर्स, इसे अगर ये इम्परल एकेडमी जा रहा है तो उसे इस डायरेक्शन से पास करना होगा। गुड मॉर्निंग शी। हाँ, उसने मुझे इग्नोर करा, क्या मैंने तो उसे सच में गलत समझा? मैं ऐसा क्या करूँ कि सब कुछ सही हो जाए? कैंडी लेना चाहोगे? नो, मैंने ऐसे देखा था कि पूरी सुबह बहुत सैड थी, और अभी कैंडी भी रिफ्यूज़ कर सकती है। क्या ये मोरन प्रिंस शी की वजह से या फिर ये शेजिंग की वजह से? साइलेंस साइलेंस, मेरे पास एक अनाउंसमेंट है करने के लिए। हम आज कोई आफ्टरनून क्लास नहीं लेंगे, महाराज चाहते थे कि आप सारे कंट्रीसाइड जाएं और रिलैक्स करें। रियली? ये वो भी इंक्लूडेड डायरेक्टर होंगे इंपल एकेडमी से, वो भी जाएंगे? ऑफकोर्स, मैं चाह रही थी, महाराज चाहते थे कि तुम सारे रिलैक्स करो थोड़ा। ग्रेट, अब मैं शी को देख सकती हूँ। देन आई गेस मुझे उस लिटिल गाय पे नज़र रखनी होगी। तुम लोग एक दूसरे के साथ टीम बना सकते हो, एक टीम के अंदर
तीन या फिर छह लोग होंगे, प्लीज़ जाने के लिए रेडी हो जाओ। मैं छहों के साथ टीम अप करूँगी। तुम इतनी मतलब चुपकी हो, फाइन तुम एक साथ रह सकती हो। क्या तुम हमारे साथ राइड करोगे शे? सिर्फ उसे इग्नोर करो, कम ऑन, मैं तुम्हें अंदर पहुँचाती हूँ। ओके, मेरा इंतज़ार करो हनी, ये जिम है प्लीज़, इसे हमारी टीम ज्वाइन करने दे। छिया अंदर आ जाओ। हुर्रे हनी, ये सब चेक करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना लेकर आया हूँ। वाह, तुम्हारे पास फ्रूट कैंडीज भी हैं, मेल्ट शुगर और पेस्ट्रीज भी हैं, मुझे ये सब पसंद है। तुम मेरे स्वीट हार्ट हो, नेचुरली मुझे याद है तुम्हें क्या पसंद है। क्या तुम लोग कुछ खाना चाहोगे? नहीं। हाँ, मुझे ऐसा इतना कोल्ड की फील हो रहा है इस कैरेज में। क्या तुम एक एप्पल चाहते हो ब्रदर इन लॉ? तुमने मुझे अभी क्या बोला? शाइजिंग यू, तुम इतने अगली हो, तुम डिजर्व नहीं करते फिश को, ये इतना मीन है। वेल जियो, जल्दी चाहे अभी या बाद में शादी तो करोगे तुम एज वेल। इस टाइटल का ना यूज्ड कर लो अपना इस टाइटल को, ये शादी नहीं करेगी जियो, तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगी। मैं तुम्हें इस कैरी से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी अगर तुम ऐसे ही एक्टिंग करते रहे। फाइन, मुझे नहीं पता कि प्रिंसेस जो इतनी स्कैरी होगी। मैं रुकता हूँ, मुझे एक सिंगल वर्ड भी समझ में नहीं आ रहा है जो बात कर रहे हैं, बट ऐसे लगते हैं बहुत फन है। वाओ, ये टेस्ट ग्रेट है। चार घंटे बाद, वाओ ये जगह तो बहुत अमेजिंग है। गाइज, आई थिंक ये सच में अमेजिंग है, जस्ट लाइक फ्लावर गार्डन, सॉरी मुगल गार्डन। यहाँ देखो, यहाँ पे लोटस हैं, कितने ब्यूटीफुल हैं। प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरी मॉम ने कहा था जो लोग वो चीज़ें लेते बिना जाने कि कौन और इस जगह का ओनर है, वो लोग चोर होते हैं। प्लीज़, लोग ना टाइम लेते हैं और एनर्जी इन लोटस को प्लांट करने के लिए। तुम फ्लावर्स ऐसी पिक नहीं कर सकते, तुम्हें उसके ओनर को पूछना होगा। ग्रैंड ट्यूटर चैन, क्या हम कुछ लोटस पिक कर सकते हैं? ये बहुत स्वीट है कि आपने पूछा योर हाइनेस, मैंने ऑलरेडी ओनर से चेक कर लिया है और हर हर आप सब एक एक ले सकते हैं। ग्रेट, मैं ये चाहता हूँ, मेरा वाला मत लो, मैं सिर्फ एक ही ले सकती हूँ, तो मुझे कौन सा पिक करना होगा? मैं समझ गई शी, ये जो फ्लावर है ना तुम्हारे लिए, प्लीज़ मुझसे गुस्सा होना बंद करो। मैंने जियो को भी कोई फ्लावर नहीं दी, मैंने सिर्फ तुम्हें ही एक दिया है। मैं तुम्हें बेटर पसंद करती हूँ जियो से। तुम फाइन, तुम मुझे कभी गलत नहीं समझोगी ना? ग्रेट, तुम बेस्ट हो, मैं तुम्हारे लिए ढूंढता हूँ। रियली? उसने मेरी तरफ एक बार देखा भी नहीं जब ये कैरिज से उतरी। मैं जानता हूँ ये मेरे बारे में केयर नहीं करती। ऑल राइट, प्लीज़ सब यहाँ पे आ जाइए और मेरे को सुनिए। हमारे पास एक कॉन्टेस्ट है जो टीम को एक्वायर करेगी, जो सबसे ज़्यादा कॉर्न विल के रिवॉर्ड्स मिलेंगे। क्या रिवॉर्ड है? क्या कैंडी है? ये एक सीक्रेट है। कम ऑन गाइस, चलो कुछ कॉर्न्स लेते हैं। हाँ, ये तुम्हारी जॉब नहीं है, तुम बहुत स्मॉल हो। क्या होगा अगर तुम यानी कि मक्की के खेत में खो गई? डोंट वरी फिश, हम फर्स्ट प्लेस ही जीतेंगे। ओके, बोझ बनने की कोशिश मत करना, मैं नहीं करूँगा, मैं प्रिटी स्ट्रांग हूँ। आई विश मैं बड़ी होती, इस रास्ते में उन्हें उनके मिशन हमारे मिशन के साथ मदद कर पाती। प्रिंस जिंगल कहाँ है? मैंने उसे पूरे समय क्यों नहीं देखा? ओह, वो वहाँ पर है। जिंगलैंग, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तुम लिटिल शॉर्टी, तुम मेरी मदद क्या कर सकती हो? हाँ, मैंने तुम्हें देखा कि तुम यहाँ अकेले हो, तो मुझे लगा कि मैं तुम्हें कंपनी दे सकती हूँ। मैं जा रही हूँ अगर तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूँ। वेट, तुम यहाँ बैठ सकती हो और मेरे लिए ये कॉइंस काउंट कर सकती हो। ओके, 1 2 3 सिली गर्ल, क्या तुम्हारा फर्स्ट टाइम है कंट्री साइड में आना मुझे? यस, मैंने कभी ऐसा ब्यूटीफुल व्यू पहले नहीं देखा। मैं डेफिनेटली अपनी मॉम को बताऊँगी जो मैंने यहाँ देखा है। तुम क्या कर रहे हो जिंगलैंग? देखो क्या, वाओ वाओ, ये इतना ब्यूटीफुल है। जब हम यान स्टेट में थे ना, तो मेरी माँ मुझे कंट्री साइड बहुत बार लेकर जाते थे। हाँ, और मैंने कभी नहीं देखा, मैंने अपनी माँ को कभी दोबारा नहीं देखा जब ये वॉर आ गई थी।
प्रिंस जिंगना सच में उसकी माँ को बहुत मिस करते होंगे ना। तुम गाइस मैं क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें बोला था उसे घूमो मत। तुम जिंगला यान जिंगलांग के पास क्यों गए? नो मैं सिर्फ उसे कंपनी करना चाहती थी। चलो चलते हैं, अगर तुम्हें भुट्टा काउंट करना पसंद है तो तुम मेरी मदद कर सकते हो मेरे काउंट करने के लिए। जहाँ तुम प्रिंस जिंगलांग पे सुबह के दिन क्यों गुस्सा थी? मैं बहुत चिंता कर रही हूँ इसके बारे में, जब से मैंने देखा था कि यान जिंगलांग मोयन स्टेट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। क्या मैं जियो को अपने सपने के बारे में बता दूँ? बट ऐसा लगता है कि वो यान जिंगलांग को बहुत पसंद करती है। जियो क्या तुम बिलीव करोगी, क्या तुम बिलीव करती हो कि जो सपने हैं वो सच हो जाते हैं? तुम्हारा मतलब सच्चे सपने? यह मुझे लगता तो है, मैंने सपना देखा था चिकन लेग्स का लास्ट नाइट, और फिर मेरे पास लंच में चिकन लेग्स थे। आई विश मैं चिकन विंग्स का सपना देखूं आज रात को। मैं जानती थी मेरे को अपनी हाई होप ज़्यादा करनी नहीं चाहिए ऐसी फूडी के लिए। और राइट, मैं तुम्हें आज कंपटीशन के रिजल्ट बता देता हूँ। जो टीम है ना वो जो हार चुकी है वो रिस्पॉन्सिबल होएगी उन कॉन्स है ना उन्हें ग्रिल करने के लिए विनर्स के लिए, और जो विनर है ना वो जितना चाहे उतना खा सकते हैं। डैट्स इट ग्रैंड ट्यूटर चैन, कितने पैटी हैं, मैंने ऑलरेडी एक तुम्हारे लिए ग्रिल कर लिया है, तुम ये ले सकती हो। वाओ इसकी स्मेल कितनी अच्छी है, थैंक यू चियो। मेरा भी रेडी है, ये यम्मी है इससे ज़्यादा, ये लो तुम्हारे लिए। ओके थैंक यू शी, क्या चाइल्ड है ये सब, क्या था मैंने कहा तुम कैसे चाइल्ड हो, मेरा कौन कंटेंट बैटर टेस्ट करता है तुम्हारे से, ये नॉनसेंस है, मेरा बैटर है मेरा। तुम्हारी हिम्मत है तो मुझसे ग्रिल कॉम्पिटिशन करके दिखो, चलो करते हैं। मुझे ग्रिल कॉर्न बहुत पसंद है। प्रिंस जिंगलांग ने खुद ही कौन तोड़े थे और खुद ही ग्रिल कर रहे हैं, अपने आप ही इतना क्लियर लग रही है। मेरे पास एक आइडिया है प्रिंस जिंगलांग, मैं तुम्हारा कौन चाहती हूँ, ये लो तुम्हारे लिए। ओ ये इतना अच्छा है, मुझे और दो। ये यांग जिंगलांग दोबारा से, इसे हमेशा क्यों जियो की अटेंशन ड्रॉ करनी होती है? नो मैं उसे उसके लिए एक बैड एग्जांपल नहीं होने दे सकती, मुझे एक रास्ता ढूंढना होगा यहाँ जिंगलांग को सबक सिखाने का। तुमने मुझे बीच रात में क्यों जगा दिया शियांग जिंगयो, क्या तुम यहाँ जिंगलांग को एक सबक सिखाना चाहते हो आज? ये गुड टाइम है सोने का और सपने देखने का। हे मैं सीरियस हूँ, प्लीज़ मुझसे जॉक करना बंद कीजिए। प्रिंसेस चियांग हम जानते हैं क्या आपको प्रिंस जिंगलांग पसंद है, ये वाला और था ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ स्ट्रेट होती हूँ, क्या तुम उसके साथ उसे सबक सिखाना चाहते हो? वेल मैं अपने आप को मुसीबत में नहीं डालना चाहता। तुमने क्या कहा? यह एब्सोल्युटली यस, यांग जिंगलांग एक एरोगेंट लिटिल बास्टर्ड है, मैं उसे बहुत लंबे समय से हेट कर रहा हूँ। डैट्स इट, अच्छा कहा, सिंस तुम इससे इतनी नफरत करते हो मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। मैं तो सुन रहा हूँ। मैं उसे एक लेटर लिखूंगी और उसे माउंटेन पर बुलाऊंगी, जब वो वहाँ जाएगा मैं उससे बोलूंगी उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और फिर तुम्हें चांस लोगे ताकि तुम उसे कवर कर सको एक बैग के साथ, और हम उसे उसके अंदर पीटेंगे। तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं पता कि ग्रैंड ट्यूटर चैन किस के बारे में पता लगा लेंगे। शाह जिंगयो तुम इतना डरपोक कैसे हो सकते हो, तुम अपने आप एक आदमी मत कैसे समझ सकते हो? ओके ओके मैं करूँगा, ये बहुत लंबे समय था योर हाइनेस प्लीज रेस्ट कर रही है। ओके यान जिंगलांग वॉच आउट योर हाइनेस। हाँ मैं बदले लेने के लिए आया यान जिंगलांग, क्या तुमने फिश से फाइट करी डे टाइम में? मैंने कभी ये अटैकर इतना स्टूपिड कभी नहीं देखा। तुम जा सकते हो मशीन, बट योर हाइनेस चिंता मत करो वो मुझे चोट नहीं पहुँचाएगा। यस ये हाइनेस कोल्ड थे और क्रूर थे, उन्होंने कभी किसी को मतलब माफ़ नहीं करा जो भी उसे अटैक करने की कोशिश करता था पीछे से। बट अब ये कब बदल गए? योर हाइनेस क्या आपने वो फहरस्त सुना है? क्या तुम उसे ज़्यादा स्मार्ट करने की कोशिश कर रहे हो? तुम कभी नहीं जीतोगे। मैं क्या इडियट है? हाँ ये क्या है, ये बाहर कितना कोल्ड है, मुझे उससे डे टाइम में फाइट करनी चाहिए थी। मैं सोच क्या रही थी, ये बहुत कोल्ड है, क्या तुम्हें लगता है कि यान जिंगलांग यहाँ आएगा? शायद हमें जाना चाहिए।
कम ऑन, छुप जाओ, वो यहाँ है। वहीं रुको यहाँ जिंगला, यू सन ऑफ अ बिच, मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से नफरत करती हूँ। ओह हाय प्रिंसेस चो, नो मैं प्रिंसेस चो नहीं हूँ, वो एक ब्यूटीफुल जेंटल गर्ल है और केयरिंग गर्ल, मैं वो कैसे हो सकती हूँ? अगर ऐसा है क्या तुम अपना ये मास्क हटाओगे? क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है? तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? जाओ इसे ले लो, टेक, ये लो यहाँ जिंगलैंग। ओ नो, हाँ शिट, हे तुम कैसा कर रहे हो? आओ मेरी कमर दर्द कर रही है, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ ऐसे गेम खेलने का, ये बहुत लेट हो चुका है प्रिंसेस शाह। मिस्टर शाह आप दोनों को वापस जाना चाहिए। मैं प्रिटी प्रिंसेस शाह नहीं हूँ और मैं वो हैंडसम मिस्टर शाह नहीं हूँ। गाइस आई थिंक ये चिल्ड्रन क्रेजी है, तुम गाइस सच में अनबिलीवेबल हो। तुम ही दो थे ना जिन्होंने मुझे इनवाइट करा था यहाँ, है ना? वेल यार तुमने क्यों पूछा? प्रिंसेस शाह केयरफुल, ओह नो गाइस क्या होगा चीजों के साथ, वॉच आउट। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें चोट लगी? मैं ठीक हूँ। श्योर इनका टारगेट है यंग जिंगला है। हाँ हाँ मैं ग्लैड हूँ कि एल्डेस्ट प्रिंट मोहन स्टेट का यहाँ यंग जिंगला को यहाँ लेकर आ गया है, अदरवाइज हम उसे कभी नहीं ले पाते। गो टू हेल, ये आम मैं यहाँ नहीं रुक सकता। आखिरकार कौन मुझे मारने की कोशिश करेगा इस समय? इन्होंने प्रिंसेस चौह को भी हट करा। यहाँ जिंगलैंग सिर्फ अपना जो किस्मत है ना वो एक्सेप्ट कर लो, यही तुम्हारी किस्मत है। रुक जाओ, व्हाट द हेल प्रिंस जिंगलैंग, मैं यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ। मौज यहाँ वापस जाओ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंजरस है। हाँ प्रिंस जिंगलैंग, क्या है जी? हाँ नो, ये सारी मेरी गलती, प्लीज़ वापस आ जाओ जियो, ये सारी मेरी गलती, मुझे माफ़ कर दो जियो, प्लीज़ सेफ रहना। मैंने यहाँ जिंगला को बाहर नहीं निकाला, रोना बंद करो। मैं ग्रैंड ट्यूटर चैन से मदद के लिए बोलते हैं, इनके पास शायद रास्ता होगा उन्हें बचाने के लिए। मुझे नहीं पता क्यों बट मेरे पास आज कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है, पूरे दिन बैड न्यूज़ और मेरे से प्रिंसेस जो गायब हैं। क्या मैंने सुना था कि ग्रैंड ट्यूटर चैन से की प्रिंसेस जी है ना फॉरेस्ट में राइड कर रही थी और वो गायब हो गई। मैंने ऑलरेडी लोगों को भेज दिया उन्हें ढूंढने के लिए, सर्च करते रहो, अगर तुम प्रिंसेस जो को आज नहीं ढूंढ पाए तो तुम सारे के सारे, तुम सबको मौत की सज़ा मिलेगी। पानी, हाँ तुम कैसे कर रहे हो? तुम कैसी प्रिंस जिंग प्रिंस जिंगलैंग? मैं ठीक हूँ, मैं अपने बैग पर लैंड हुआ था। हम कहाँ हैं? हम एक बिग रॉक पे हैं। आओ दर्द कर रहे हैं प्रिंस जिंगलैंग, मेरे पास मेडिसिन है। हाँ मैंने मेडिसिन कहाँ रखी थी? तुमने मुझे बचा लिया मोजो, थैंक यू, मुझे माफ़ कर दो। ये किसके बारे में? मैं हमेशा सही था, मैं हमेशा से मोस्ट अनफेवरेट प्रिंस था उस जगह में जब से मैं बच्चा था। वो यूमन स्टेट ऑफेंड कर रहा था मोयन स्टेट को, जब मैं 5 साल का था तो मेरे फादर ने मुझे एक होस्टेज के नाते मोयन स्टेट में भेज दिया बिना किसी हेजिटेशन के। मुझे लगा था मेरी लाइफ यहाँ पे डिफरेंट नहीं होगी, क्या यूजलेस ब्रैच है। तुम यांगलन स्टेट से एक होस्टेज हो गए? ए क्या तुम बहरे हो? हावर मुझे इस समय गलत समझा गया, इंसल्ट करा गया। चीज़ें बेटर हो गई थी जब वो यहाँ आए थे। हेलो मैं जी हूँ, चलो फ्रेंड बने। क्या हुआ प्रिंस जिंगलैंग? क्या तुम्हें डर लग रहा है? मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी तो चिंता मत करो। क्या तुम्हारा सच में ये मतलब है जो भी तुमने कहा? ऑफ कोर्स प्रिंस जिंगलैंग, मेरी मॉम ने कहा था फ्रेंड्स को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा वहीं रहूँगी। प्लीज़ मुझे ऐसे ही होल्ड करो। 2 घंटे बाद, योर हाइनेस क्या आप वहाँ हैं? हेलो कोई यहाँ है हमें रेस्क्यू करने के लिए प्रिंस जिंगलैंग? यहाँ पे सिर्फ एक रोप है, हम कैसे ऊपर जाएंगे? शायद तुम्हें पहले जाना चाहिए प्रिंस जिंगलैंग, मेरे डैडी मुझे यहाँ जल्दी बचाने आएंगे। मुझे कस के पकड़ो। हाँ आप कैसे कर रहे हो योर हाइनेस? क्या आपको चोट लगी? नो, ये जो टायरेंट है ना उसके रास्ते में,
मैंने पता लगा लिया कि किसने वो असेसन भेजे थे। ये मोजिसु था, वो टायरेंट ने प्रेजेंट कराया मुझे एक अपॉर्चुनिटी यहाँ दे दी। हाँ, मेरे डैडी का इससे क्या लेना देना है? तुम दोनों क्या बोल रहे हो? प्रिंस चिंगला, मेरे डैडी ने क्या करा? तुम उसके बारे में केयर करते हो? या ऑफकोर्स वो मेरे डैडी हैं, मैंने तुम्हें बचाया प्रिंस चिंगला। तो क्या प्लीज़ तुम उन्हें मेरे डैडी को नफरत करना बंद करोगे? मेरे कारण वो बहुत टेरिफाइंग लग रहे हैं, बट वो नाइस है और काइंड है। उनकी शार्प टंग को हटा के, तुमने मुझे बताया तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि उसे नहीं मारूंगा। रियली ग्रेट, मैं जानती हूँ तुम मेरी सुनोगे। चलो चलते हैं, मेरे डैडी चिंता कर रहे होंगे। मैं करेंटली उसे नहीं मारूंगा, मैं चाहता हूँ कि वो नरक में जिए। इन्हें इतने लंबे समय क्या लग रहा है? ग्रैंड ट्यूटर अभी वापस क्यों नहीं आए? क्या इन्होंने जियो को नहीं ढूंढा? वेट, ये कौन है? मोजियो, ओह ये तुम अच्छी हो। थैंक गॉड तुम जिंदा हो, मैं तुम्हारे बारे में इतना चिंता कर रही थी। तुम इतनी स्टूपिड हो, तुमने क्यों जंप करा? मैंने सुना था कि वहाँ पे वुल्फ्स हैं, मुझे लगा कि उन्होंने तुम्हें खा लिया है। तुम कैसे हो? कि तुम्हें चोट लगी? मैं फाइन हूँ, प्रिंस जिंगला ने मुझे बचा दिया। तुम उसे क्यों थैंक कर रहे हो? अगर उसकी वजह से नहीं होता तुम उस सिचुएशन में होते ही नहीं। हे जो डॉक्टर लेकर आओ, जियो को उसको चेक करवाना है। यस महाराज, यहाँ आ रहे हैं। डैडी यहाँ पर हैं? फादर, मैंने आपको फाइनल देख लिया, तुम अब सेफ हो। मैं यहाँ हूँ। फादर, क्लोथ इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, वो यहाँ बहुत बीच रात में बहुत जल्दी में आए होंगे। मुझे माफ़ कर दो आपको चिंता करवाने के लिए, ये मेरी गलती, मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करा प्रॉपरली। डैम मोजिसो, अगर कुछ हो जाता है जियो के साथ, मैं मोजिसो को बिना किसी हेजिटेशन के मार देता। फादर, क्या वो तुम थे जो जिंगलैंग को चोट पहुंचाना चाहते थे? वह मैं नहीं था, मैंने ये नहीं करा। देन वो कौन हो सकते हैं? उस इंसान ने ऑलमोस्ट यूं को भी चोट पहुंचाई दी थी। मैं इसे इन्वेस्टिगेट करूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम कैपिटल के लिए कल जल्दी सुबह सुबह यहाँ से जाएंगे, तो तुम्हें आके रेस्ट करना होगा अपने रूम में। ओके, इसे प्रॉपरली नहीं पता ही कितनी इंपॉर्टेंट है मेरे दिल में। द नेक्स्ट है, हाँ ये सब क्या है? वाओ इतना क्यूट है। तुम नहीं चाहते, तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहते क्या? तुम मेरे साथ आना चाहते हो? मौज हो तुम अभी वहाँ क्यों खड़े हो? कैरिज में आ जाओ। चाहो क्या मैं इस पैपी को अपने साथ लेकर आ सकती हूँ? नो तुम नहीं, ये एक स्ट्रे डॉग है और ये डर्टी है। प्लीज चाहो कैरिज में आ जाओ, ये अच्छी हूँ, बेस्ट है। ग्रे तुम कहाँ हो? बाहर आओ। जब से मैं तो ग्रे को यहाँ लाया हूँ मैं पूरे दिन हर जगह ही भाग रही हूँ, ये सच में मुझे ज़रा सा भी टाइम नहीं देता शांति से रहने का। क्या तुम इसे ढूंढ रही हो? हाँ ग्रे, ज़ेरान, थैंक यू। हाँ स्पीकिंग ऑफ विच, तुमने अपना प्रॉमिस उस दिन का तोड़ दिया, तुम मुझे अब कोई खाना नहीं ला रही। इसे अभी भी कैसे याद है? मुझे माफ़ कर दो जीरान, मैं भूल गई थी। किसके ऐसा कैसा होगा कि मैं तुम्हारे लिए आज कुछ डिलीशियस कुक करूं? मैं तुम्हारे लिए फिश, चिकन लेग्स और चिकन विंग्स बनाऊंगी। उसके बाद मैं जब मैं कुकिंग फिनिश कर लूंगी मैं थी तुम्हारे जगह पे ले आऊँगी। मेरी जगह मत आना, जीसू को वहाँ पनिश करा जा रहा है। हाँ पनिश करा जा रहा है, क्या तुम्हें नहीं पता? फादर ने उस इंसान को पकड़ लिया जो रिस्पॉन्सिबल है यांग जिंगलांग को हार्म करने के लिए उस रात, और वो जेसू था। बट वो जिंगलैंग को क्यों हार्म करेगा? क्या उनके पास किसी तरह का गरज है एक दूसरे के अगेंस्ट? उसके पास उसके रीजंस हैं, बस यह है वो कभी बाहर वालों के सामने उन्हें नहीं दिखाता। तुम सिर्फ एक चाइल्ड हो, तुम इस उसके थॉट्स कैसे समझोगे? मेरी प्रीवियस लाइफ में जेसू ने ट्रॉमलाइज था और प्रिंस को ना बहुत बारी मतलब प्रूफ करा कि वो फादर को असैसिनेट कर रहे हैं। नो मैटर वट, चाहे इस समय हो मुझे ढूंढना होगा जीसू को और खुद आंसर लेना होगा। हे तुम कहाँ जा रही हो?